बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2, 10 क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज इस लेक्चर में आप मेरे साथ देखेंगे जी रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड द कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल एशियन स्टेट्स और OIC ऑफ द पाकिस्तान उनके साथ जो है वो रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का उन कंट्रीज के साथ फॉर एंड कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यानी कि जो इस्लाम के लिए कॉपरेट करती हैं, इस्लाम के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काफी सारे जो है वो स्टेप्स लिए हैं, या इस्लाम से रिलेटेड हर काम उनमें किया जाता है, इस्लामिक वे में कॉपरेट करते हैं पाकिस्तानियों के साथ ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि डेवलप की हुई उन लोगों ने। तो आज हम उन कंट्रीज को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। 4 से 5 से ज्यादा कंट्रीज हमारे पास इसमें शामिल आते हैं, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ कुछ कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो मेन टॉपिक है जी हमारे पास रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड द कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। और सबसे पहले हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे जी पाकिस्तान का विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ डिस्कस करेंगे, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट चीजों को शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाईलाइट भी करती जाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पता है कि पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, या अल्फाबेटिकल में आपके मैंने ब्लू में जो लिखा होता है वो आप लोगों का हेडिंग का टेक्स्ट होता है, और अगर मॉडिफाई करना पड़े तो ड्यूरिंग द रीडिंग लेक्चर के हम लोग साथ ही उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो लेक्चर को आपने स्किप नहीं करना, जहां भी कहीं हेडिंग मॉडिफाई करनी होगी वो साथ ही हम लोग करेंगे। सिर्फ मैंने मेन पॉइंट्स मेन टेक्स्ट जो होता है वो हेडिंग का उसको हाईलाइट किया होता है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तान रिलेशन विद सऊदी अरेबिया। Since establishment, Pakistan has close ties with Saudi Arabia. Saudi Arabia has also always supported Pakistan. Shah Faisal used to call Pakistan his second home. Saudi Arabia has always supported Pakistan's position in international politics. The Faisal Masjid in Islamabad is a manifestation of the Pakistani people's relationship with Saudi Arabia. तो जो Shah Faisal फैसल मस्जिद जो है वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी जो मस्जिद है वो एक जो है वो एक निशानी है पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक अच्छे रिलेशन की। और शाह फैसल ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर भी कहा है, और शाह फैसल ने ही ये मस्जिद तमीर करवाई थी, इसीलिए इस मस्जिद का नाम फैसल मस्जिद रखा गया है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट पे हेडिंग देंगे जी क्लोज टाइज विद सऊदी अरेबिया, जो कि यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है, क्लोज टाइज विद सऊदी अरेबिया। सेकंड पॉइंट क्या है जी हमारे पास, सऊदी अरेबिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द कश्मीर इशू एंड रेज द वॉइस फॉर द कश्मीरी मुस्लिम्स टू ऑफ द सेल्फ डिटरमिनेशन। बोथ द कंट्रीज हैव अ कॉमन व्यू ऑन ऑल द इंटरनेशनल इशूज। इवन टूडे पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव ब्रदरली रिलेशंस। के एस्टैब्लिशमेंट 1947 से लेके अब तक टिल प्रेजेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि कोई वफ्द यहाँ से वहां जा रहा होता है, या वहां से यहाँ आ रहा होता है, किसी का वजीर आ रहा होता है, कभी कोई जो है वो पॉलिटिकल पर्सन जो है वो यहाँ से वहां विजिट कर रहा होता है, तो इंटरचेंजिंग्स होती हैं। तो ये इस चीज का सबूत है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके अभी तक, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अगर हालात ठीक रहेंगे तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रिलेशन इसी तरह कायम रहेगा। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी सपोर्ट ऑन कश्मीर इशू। तो सऊदी अरेबिया के सिर्फ 2 पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने, आप देखोगे जितने हम कंट्रीज डिस्कस करेंगे 2 या 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तमाम उन कंट्रीज को कवर करना है, उन रिलेशन का पाकिस्तान के कंट्रीज डिस्कस करने हैं जो के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी जी सपोर्ट ऑन कश्मीर इशू। सेकेंड है हमारे पास पाकिस्तान्स रिलेशंस विद इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अब उसने यहाँ पे दोनों कंट्रीज को इकट्ठे कवर किया। पाकिस्तान हैज आल्सो क्लोज फ्रेटरनल रिलेशंस विद इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर इस्लामिक कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी 2 इस्लामिक कंट्रीज आती है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय पॉपुलेशन। दीज कंट्रीज कोऑपरेट विद ईच अदर इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड कल्चर। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफेंस और कल्चर में जो है वो कौन सी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनका रिलेशन अच्छा है फॉर द डिफेंस एंड द कल्चर के लिए। तो इंडोनेशिया और मलेशिया और वर्ल्ड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास क्या है, इंडोनेशिया। और इस पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी फ्रेटरनल रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास पाकिस्तान हैज साइंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स विद दीज कंट्रीज।
After the agreement, volume of bilateral trade has crossed the $3 million. It is clear indication that these countries are not only a long time friend but also Pakistan's partner in development. के इनके साथ अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट्स के करने से क्या फायदा हुआ कि $3 billion की बायलेटरल ट्रेड में क्या हुआ था, इजाफा हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है ट्रेड के लिए और पाकिस्तान को एक अच्छा इकोनॉमिक इंक्रीज करने के लिए पार्टनर जो है वो मिल गया था। तो इस पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है जी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो कि यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है और यहाँ पे एक एमसीक्यू हमारे पास बन सकता है कि कितने बिलियन डॉलर्स जो एक्सीड किए थे, क्रॉस द $3 billion जो वो क्रॉस कर दिए थे। यहाँ पे दो हमारे पास हेडिंग्स बनेंगी, फ्रेटरनल रिलेशंस और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट कंट्री जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पाकिस्तान रिलेशन विद ईरान। ईरान भी एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है ईरान के साथ वो देखते हैं इस टॉपिक में। पाकिस्तान हैज ब्रदरली रिलेशंस विद ईरान। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान। तो सबसे पहला कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान की हैसियत को माना था, वो कौन था? ईरान। ये एमसीक्यू तो शॉर्ट के लिए आप मार्क करते जाएंगे। ब्रदरली रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान आर सेंचुरीज ओल्ड। दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कल्चर्स एंड कल्चर वैल्यूज। द टू कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर ऑफ अबाउट 909 किलोमीटर व्हिच वाज हैज केप्ट इन द टू कंट्रीज इन गुड नेबरली रिलेशंस। तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट 909 किलोमीटर है और वो इन दोनों के दरमियान एक बहुत अच्छा रिलेशन कायम रखे हुए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी ब्रदरली रिलेशंस, दोस्ताना और भाईचारे वाले जो ताल्लुकात हैं वो ईरान के साथ पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 36 पे बाकी पॉइंट्स इसके कवर करते हैं। पाकिस्तान स्पॉटेड द ईरानिक इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1979. Iran's full support for the Pakistan position on the Kashmir has also helped bring the two countries closer. The security and development of Pakistan and Iran are interlinked. So, second point पे आप heading देंगे जी Iranic Islamic Revolution की support की थी, तो हमारी heading बनेगी support to Iranian Islamic Revolution और ये कब pass out हुई थी? 1979 में. The two countries are jointly working on the ways to control terrorism and the energy crisis. Iran has also interested in developing trade relations with the China and Central Asian countries through the China पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ईरान हमारा जो हमने बनाया सी पैक का एक प्रोजेक्ट है उसके थ्रू जो है वो काम शुरू करना चाहता है, ट्रेड शुरू करना चाहता है पाकिस्तान के साथ साथ, तो कर ही रहा है, अब वो चाइना के थ्रू करना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग सी पैक इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके थ्रू वो चाइना के साथ ट्रेड स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी बेस टू कंट्रोल टेररिज्म, कि किस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं कि एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी की चीजों को खत्म किया जा सके। तीन हेडिंग्स आएंगे जी ब्रदरली रिलेशंस, स्पॉट ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन और बेस टू कंट्रोल द टेररिज्म। आगे नेक्स्ट कंट्री जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पाकिस्तान रिलेशन विद तुर्की। तो तुर्की में क्या कहते हैं जी, तुर्की एंड पाकिस्तान हैव डीप eternal and unique relationships. These relations are an asset and pride for both of the nations. There is no precedent in the world today for such relationship. Both the countries are bosom friends. के इन दोनों के दरमियान, पाकिस्तान तुर्की के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन है कि किसी और दो कंट्रीज में, पूरी दुनिया में ऐसी दो कंट्रीज नहीं है जिनका पाकिस्तान और तुर्की जैसा रिलेशनशिप हो। तो जैसा रिलेशनशिप पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान है वैसा कोई और कंट्री अभी तक नहीं दुनिया में आई कि वो अपना रिलेशन उस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सके। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे इटर्नल एंड यूनिक रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, तुर्की इज अ कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पाकिस्तान एंड इट्स पीपल इंजॉय सो मच रिस्पेक्ट एंड एस्टीम। इट इज अ कंट्री वेयर पीपल फील प्राउड ऑफ देयर बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन। तो आप देखते हो कि मुख्तलिफ मुल्कों में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे किया जाता है, बहुत सारी उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते उनको। लेकिन तुर्की एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी अगर जाता है तो उसको ये फील नहीं होता कि वो कहीं बाहर से आया हुआ है, पाकिस्तान छोड़ के आया हुआ है। पाकिस्तान को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के जाने का जो दुख है, वो जो एहसास है, वो हर इंसान के अंदर रहेगा, हर सिटीजन के अंदर रहेगा। लेकिन वहां जाके कोई फील आपको ये नहीं होगा कि आप एक माइनॉरिटी में रह रहे हो या कोई, आपके पास तुर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तानियों को वो बहुत ज्यादा जो है वो आप बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और वहां पे रहने वालों को प्राउड फील होगा, कभी भी वो अपने डिसरिस्पेक्ट पे जो है वो गिल्ट फील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इस्टीम। तो फर्स्ट आपकी हेडिंग थी इटर्नल एंड यूनिक रिलेशनशिप, सेकंड है जी रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इस्टीम। नेक्स्ट पॉइंट है, तुर्की पाकिस्तान एंड ईरान जॉइंटली एस्टैब्लिश द आरसीडी इन 1964। आरसीडी के ऊपर हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, छोटी क्लासेस में भी सोशल स्टडीज के ऊपर ये चीज आती होती थी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी आरसीडी और आरसीडी के बाद जब हमारे पास एकॉर्ड आई, इको के ऊपर हम पढ़ रहे थे, पहले भी पढ़ा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ बताएंगे कि ये एस्टैब्लिश कब हुई और क्यों हुई। तुर्की और आठ सिटी में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मेंबर थी, ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान। इन्होंने ज्वाइंटली एस्टैब्लिश किया आरसीडी इन 1964 बट एंडेड इट्स एक्टिविटीज इन 1979। तो आरसीडी स्टार्ट कब हुआ 1964 में, एंड कब हुआ 1979 में। फिर क्या कहते हैं जी, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इको वॉज इस्टैब्लिश इन 1985। आरसीडी और इको दोनों की इस्टैब्लिशमेंट डेट्स और जो आरसीडी है उसकी एंडिंग डेट आप लोगों ने याद रखनी है, और यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरसीडी एंड ईसीओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन देयर इज अ सीवियर अर्थक्वेक इन पाकिस्तान इन 2005, दे टुक जेनरसली डोनेटेड फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तुर्किश डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ एंड एयर ऑर्गेनाइजेशन टायरलेसली हेल्प The victims of the earthquake without caring for their comfort। और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी अर्थक्वेक इन पाकिस्तान 2005। तो 2005 में, 2005 में जो अर्थक्वेक आया था वो बहुत ज्यादा खतरनाक जो है अर्थक्वेक आया था, 5 अक्टूबर का जो अर्थक्वेक था उसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, और तुर्की एक वाहिद मुल्क था जिसने अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, एड, मेडिसन्स और बहुत सारी चीजें जो है वो हेल्प करने के लिए भेजी। और आप देख सकते हो अभी जो रिसेंटली हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बुरा एक शदीद किस्म का जलजिला आया था उसमें भी तुर्की का जो इमदादी सामान था, तुर्की की तरफ से जो इमदाद थी बाकी कंट्रीज की निस्बत सबसे ज्यादा हैवी थी। तो तुर्की ने बहुत ज्यादा और अच्छी खासी पाकिस्तानियों के लिए इमदाद दी थी 2005 में भी। और आई एम नॉट कंफर्म, नहीं है मुझे ईयर के किस ईयर बिल के आया, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर या फिर 23 का ही स्टार्टिंग ईयर्स का जो ईयर में हमारे पास महीने थे उनमें आया था, तो उसमें भी तुर्की का जो है हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी एड उसने हमें दी थी पाकिस्तानियों को, उसने इन द फॉर्म ऑफ मनी में भी दी है और इन द फॉर्म ऑफ फूड, शेल्टर, टेंट्स और जो चीजें एक जलजला जदगान को जरूरत होती है वो सारी चीजें तुर्की से आई थी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास ऑन द कश्मीर इशू, तुर्की हैज गिवन अनवेवरिंग सपोर्ट टू पाकिस्तान, नो अदर कंट्री कैन रिवाइवल तुर्की इन दिस मैटर। और लास्ट पे आप हेडिंग देंगे जी सपोर्ट टू कश्मीर इशू, तकरीबन सपोर्ट टू कश्मीर इशू जो है वो तकरीबन हर कंट्री ने ही किया है, ये पॉइंट है किस्म का आप लोगों का एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ब्रदरली रिलेशन वाला भी फिक्स्ड पॉइंट होगा और कश्मीर इशू वाला भी एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जो कि आप इसमें इस टॉपिक के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान रिलेशन विद लीबिया, इजिप्ट एंड सीरिया, यहाँ पे तीनों कंट्रीज उन्होंने इकट्ठी कवर की है, जैसे पहले इंडोनेशिया मलेशिया को कवर किया था। यहाँ पे क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान हैज ऑलवेज डिजायर्ड ब्रदर रिलेशंस विद इजिप्ट, लीबिया एंड सीरिया ड्यूरिंग द पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर 1971। लीबिया, इजिप्ट एंड सीरिया वर एक्सट्रीमली सिंपैथिक टुवर्ड पाकिस्तान, दीस कंट्रीज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल, मॉरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट टू पाकिस्तान, दिस फर्दर इंक्रीज द इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन द पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ दीस टू कंट्रीज, थ्री कंट्रीज। यहां पे आप सबसे पहले पॉइंट पे हेडिंग देंगे जी इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन पाकिस्तान, इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन पाकिस्तान। सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास, दीज कंट्रीज प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान टू मेक इट्स डिफेंस स्ट्रॉन्ग। योर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी आपको कि विच कंट्री प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो आप बताएंगे जी लीबिया, इजिप्ट एंड सीरिया आर द कंट्रीज दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान टू मेक इट्स डिफेंस स्ट्रॉन्ग। These countries provided investment so that the fortress of Islam, Pakistan, could become a strong country. Leaders of these countries participated in the 1974 Islamic summit in Lahore and expressed their love for the Pakistanis. These countries also supported Pakistanis in the United Nations on many occasions. तो ये पॉइंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने हेडिंग देनी चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान, और इसमें आपको बताया गया डिफेंस के ऊपर, और ये बताया गया कि पाकिस्तान को एज अ फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम बनाने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने के लिए उन्होंने जो है वो इमदाद दी थी कि आप अपना डिफेंस को है जो स्ट्रॉन्ग करें। और 1974 के इस्लामिक समिट जो लाहौर में हुआ था उसमें भी उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा प्यार का इजहार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, और उस पर आप हेडिंग देंगे जी अरब इसराइल वॉर, पाकिस्तान स्टूड विद दीज ब्रदर कंट्रीज ड्यूरिंग द Arab Israel war. These countries have always supported Pakistan's position on the Kashmir issue as well. Cooperation between Pakistan and these Muslim countries in the fields of agriculture, industry and defense is a regular feature of their policy. नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान रिलेशन विद फलस्तीन, फलस्तीन के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह से है। इन 1948 अ स्टेट कॉल्ड इसराइल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द लैंड ऑफ फलस्तीन विद द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न पावर, जिस तरह से हमारे कश्मीर पे है कब्जा हुआ था उसी तरह इसराइलियों ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया विद द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स, और कब किया 1948 में पाकिस्तान बनने के अगले साल। दिस वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द फलस्तीन बट इसराइल बिगन टू एक्सपैंड इट्स बाउंड्रीज, मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली द अरब कंट्रीज ऑफ द एरिया बिकम एक्टिव, they started efforts to protect the rights of Palestine. और सबसे पहले आपके पास हेडिंग भी यही आ जाएगी rights of Palestinians. नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं जी, मेनी वॉर्स वर फॉट बिटवीन अरब्स एंड इजराइल टू लिबरेट द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, अरब कंट्रीज कुड नॉट सक्सीड ड्यू टू द लैक ऑफ द यूनिटी अमंग देम, थस मेन एरियाज ऑफ फलस्तीन इंक्लूडिंग जेरूसलम केम अंडर द इजराइल कंट्रोल एंड द फलस्तीन इशू टोक अ सीरियस टर्न, जैसे कि जहाँ वहाँ पे अक्सर जो होता है वो मस्जिद अक्सा वगैरह पे और बाकी जगहों पे जो है वो हमला भी करते रहते हैं, और यही कि हमारे
दरमियान जो यूनिटी है, तो यूनिटी ही नहीं है अरब कंट्रीज के दरमियान, अगर यूनिटी दिखाएं तो कोई ताकत जो है वो इसराइलियों को बाहर निकालने से रोक नहीं सकती। मसला यह है कि सारा यूनिटी जो है वो नहीं आती, और यूनिटी अगर आ जाए तो ये फलस्तीन जो है वो कल का आजाद होता आज आजाद हो सकता है। तो वो कहते हैं जी इंक्लूडिंग जेरूसलम केम अंडर द इजराइल कंट्रोल एंड द फलस्तीन इशू टू का सीरियस टर्न, एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द यूनाइटेड नेशन, द इस्लामिक वर्ल्ड एंड द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट फलस्तीन स्टेट। और जिस तरह से हम कश्मीर को अभी तक आजाद नहीं करवा सके, उसी तरह फलस्तीन के ऊपर भी अभी तक वही सब कुछ हो रहा है, हम लोग अभी तक उसको आजाद नहीं करवा सके। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी एफर्ट्स मेड बाय यूनाइटेड नेशंस, एफर्ट्स मेड बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान हैज ऑलवेज रेज्ड वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ फिलिस्तीन मुस्लिम्स एट एवरी इंटरनेशनल फोरम एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू दिस इशू, पाकिस्तान हैज ऑलवेज मेड एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इस पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी अटेंशन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अटेंशन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास पाकिस्तान हैज नॉट टेंडेड रिकॉग्निशन टू इसराइल अप टिल नाउ, पाकिस्तान हैज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इन द यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर फिलिस्तीन इन द वॉर्स बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इसराइल, पाकिस्तान प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट टू द अरब्स। पाकिस्तान यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर फलस्तीन, यूनाइटेड नेशन तो फंड देता ही है, बहुत ज्यादा इमदाद देता है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो भी इसराइलियों के खिलाफ जो है वो बोलता है, और साथ ही साथ फलस्तीनियों की मदद के लिए जो है वो आगे हमेशा रहता है। तो इस पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जो आपका फोर्थ पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर फलस्तीन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका फलस्तीन रिलेशंस के साथ पाकिस्तान प्लेड एन इंपॉर्टेंट की रोल इन गेटिंग द फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, a member of OIC, Pakistan has good relations with the present Palestinian state. Pakistan fully supports the position of Palestinians. So, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी Palestine Liberation Organization PLO. लास्ट आ जाता है जी पाकिस्तान एंड द मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान वांट्स क्लोजर टाइज विद द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट एरा पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड अ न्यूट्रल पॉलिसी इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग एनी ब्लॉक इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी क्लोजर टाइज विद द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, अब सारे इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में, एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है लास्ट फ्यू पॉइंट्स में, आप हेडिंग देंगे जी क्लोजर टाइज विद एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। नेक्स्ट है पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स बिलैटरल रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज इन सच अ वे दैट दे आर नॉट अगेंस्ट एनी थर्ड इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान हैज गुड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशनशिप विद जॉर्डन, अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिसिया, नाइजीरिया, इराक, यूएई, ओमान एंड लेबनान। यहाँ पे आपके पास हेडिंग है जी बिलैटरल रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज। लास्ट पॉइंट और उसकी हेडिंग है हमारे पास फ्रीडम मूवमेंट्स बाय द मुस्लिम्स, पाकिस्तान प्रिंसिपली सपोर्ट्स ऑल द फ्रीडम मूवमेंट्स बाय द मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज कमिटेड टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन एफर्ट्स टू यूनाइट द इस्लामिक वर्ल्ड, ये हमेशा यूनाइट करने के लिए पाकिस्तान आगे रहा है, कभी भी लड़ाई के लिए या किसी और वजह से कभी पाकिस्तान ने गलत चीज को सपोर्ट नहीं किया। लास्ट इस टॉपिक पे आपको दिया गया है जी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में, हम लोग पढ़ के आया ऊपर काफी जगह ईको, तो ये है क्या चीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप मार्क करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट ईसीओ और व्हाट डज दिस ईसीओ मींस। तो ईसीओ मींस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ 10 एशियन कंट्रीज, और कौन कौन सी कंट्रीज है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ईसीओ हेडक्वार्टर इज इन तेहरान, द कैपिटल ऑफ Iran, and basic objective of this organization is to promote economic cooperation and the exchange goods and services on the pattern of European नेशन। तो ये है जी उनका मेन ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ईसीओ ओपन करने का, कि वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और एक्सचेंज जो है वो डेवलप कर सके ड्यूरिंग द यूरोपियन यूनियन। ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस की है जी काफी सारी कंट्रीज का रिलेशन विद फलस्तीन, लीबिया वगैरह के साथ डिस्कस किया हम लोगों ने, तुर्की को भी देखा, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, तो 6 कंट्रीज 7 कंट्रीज हम लोगों ने डिस्कस की है। मेन टॉपिक जो था वो रिलेशन था बिटवीन द पाकिस्तान एंड द कंट्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। मुझे उम्मीद आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। और लास्ट मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू।